दोस्तों मैं हूँ शलाब, देखे लेट म्यूज़िक। और आज मैं गाना सिखाने जा रहा हूँ नज़्म। नज़्म बहुत ही ज़बरदस्त फेमस गाना है और सबको पसंद भी है गाना। तो हारमोनिका के ऊपर आज मैं बताने जा रहा हूँ। इसके एकदम सिंपल नोट, आप नोटबुक लेके पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है? वो ज़्यादा आसान रहेगा और इससे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, ठीक है? ओके, हम लिखते भी हैं और उसको समझते भी हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है? तो नोटबुक पेन ले लो, गाना मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले एक बार प्ले करके बताता हूँ, ठीक है? देखा, तो यहाँ पर मैं आपको नोट्स बताऊं, बड़े सिंपल है। फर्स्ट लाइन होगी आपकी, ठीक है? पहली लाइन, सा 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 प प गरी ग ग। ओके, डबल दोहराऊंगा नहीं क्योंकि आपके पास वीडियो है, आप पीछे आगे पीछे कर सकते हो, उसको रिवाइंड कर सकते हो। तू नज्म नज्म सा मेरे, सा सा सा, तीन बार सा सा सा, कॉमा सा सा सा, प प गरी ग ग। ओके, गरी ग ग। देन होठों पे ठहर जा, होठों पे ठहर जा, सा सागरी, सा कौमा सागरी, सा कौमा सागरी, सा सागरी, सानी, नी के नीचे डॉट, तो नी कहाँ आएगा? हारमोनिका के अंदर लोअर ऑक्टेव में, ठीक है? पीछे बजेगा। ये है थानी वो। हम तो मैं सा के पहले पहले जा रहा हूँ, ठीक है? और इसके सारे लेसन्स और वीडियो प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें प्लेलिस्ट में सब वीडियोस है। इसको कैसे बजाना है, फर्स्ट डे को क्या करना है, सेकंड डे को क्या करना है, सारे गामा कैसे बजाना है, वगैरह 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 सब कुछ, लोअर ऑक्टेव के सुर कैसे बजाना वगैरह। तो सा सारे सा, सॉरी, सा सागरे, ठीक है? सा कौमा सागरे, सा सागरे, सा नी ध ध, सा नी ध ध, नी और ध के नीचे डॉट, सा नी ध ध, होठों पे ठहर जा, ध ध के नीचे डॉट, नी नी के नीचे डॉट, क्योंकि वो पीछे आ रहा है लोअर ऑक्टेव। और आगे की लाइन है, मैं खाब खाब सा तेरी, मैं खाब खाब सा तेरी, ये गाड़ियों के हॉर्न का क्या करेंगे अभी? प ध ध, रे सा रे, प ध ध, रे सा रे। ओके, प के नीचे डॉट, ध के नीचे डॉट, प ध ध, रे सा रे। सा और रे नॉर्मल है, तो प ध ध, रे सा रे, प और ध के नीचे डॉट, प ध ध, रे सा रे। देन सा रे। उसके बाद की लाइन है, क्या आएगा इसका? खाब खाब सा तेरी। ओके, आँखों में जागू रे, आंखों में जागो रे, ठीक है? प प प गरे सा, प प प, थ्री टाइम्स प, प प प गरे सा, प प प गरे सा, आंखों में जागो रे। अभी ये गाना हो गया खत्म।
अभी पता है क्या, ये लाइन को वापस आप दो तीन बार बजाओ, मतलब वही नज्म नज्म वगैरह वगैरह वगैरह, यही मतलब पूरा ब्रैकेट को इसको ये कर दिया कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर इसको बजाओ दो बार। अब क्या करना है, दो बार क्यों बजेगा पता है, जैसे आप समझ लो अब आपके पास बुक है, आपने नोट डाउन किया, तो तू नज्म नज्म सा मेरे, मतलब ए था ठीक है, और होठों पे ठहर जा बी, देन तू मैं खाब खाब सा तेरी सी, और आंखों में जा गोरे डी, ओके ए बी सी डी। अब देखो रिपीट कैसे होते, टू टाइम्स कैसे बजाना है हारमोनिका में, रिपीट कैसे होगा, तू इश्क इश्क सा मेरे, ए उसकी कॉपी थी इसलिए ए बोला इसको, तू इश्क इश्क सा मेरे, मतलब वो उसकी कॉपी है, तू नज्म नज्म सा मेरे। अब रूह में आके बस जा, रूह में आके बस जा मतलब होठों पे ठहर जा, कॉपी होता है पूरा एग्जैक्ट, हर गाने में ऐसे होता है। अभी जिस ओर तेरी शहनाई, जिस ओर तेरी शहनाई मतलब मैं खाब खाब सा तेरी, और उस ओर में भागू रे, उस ओर में भागू रे मतलब आंखों में जागू रे, सी का कॉपी था, ए का कॉपी, ए बी का कॉपी, सी एंड डी इस तरह से, डी का कॉपी था सॉरी, तो आखिरी लाइन डी, ए बी सी डी, चार लाइन है, चारों के चार, अगली बार वो रिपीट हो गया। अब भी आएगा अंतरा, तो अंतरा जो है वो है हाथ थाम ले पिया, ठीक है हाथ थाम ले पिया, जो मैंने बजा के दिया, आप देखो कैसे होगा, करते हैं वादा तू, आगे क्या है, करते हैं वादा अब से तू आरजू, तू ही है इरादा, है ना ये है ना, हाँ तू ही है इरादा। ओके अब इसके नोट्स लिखो, हाथ थाम ले पिया सा सा रे सा ग रे ग, ठीक है सा सा रे सा ग रे ग, एकदम प्लेन बजाना है, सा सा रे सा ग रे ग, हाथ थाम ले पिया। अब लिखो, करते हैं वादा सा सा रे सा मामा, सा सा रे सा मामा अब से तू आरजू, रे ग म ध प म प, रे ग म ध प म प, ठीक है रे ग म ध प म प, अब से तू आरजू, तू ही है इरादा, रे रे प म ग, रे रे प म ग, तू ही है इरादा, रे रे प म ग। अब इसको भी एबीसीडी लिखो, क्योंकि अंतरा है ना, इसको ए कैसे लिखो, हाथ थामले पिया मतलब ए, करते हैं वादा मतलब बी, अब से तू आरजू मतलब सी, और तू ही है इरादा मतलब डी। अब कॉपी कैसे होगा, नेक्स्ट लाइन है मेरा नाम ले पिया, उसकी कॉपी किसकी, ए, ए मतलब अंतरे का है, वो पहला वाला ही नहीं अभी जो चल रहा है उसका है, मतलब हाथ थामले पिया का ये है ना। अब ये हो गया, अब मैं तेरी रुबाई, सेम कॉपी मैं तेरी रुबाई मतलब दूसरी लाइन, करते हैं वादा। अभी तीसरी लाइन है तेरे ही तो पीछे पीछे मतलब अब से तू आरजू, ठीक है वर्ड्स का कभी भी काउंट नहीं करना, कि आपको लगेगा तेरे ही तो पीछे पीछे कितना लंबा है सर, और अब से तू आरजू में तो कितने कम वर्ड, ऐसे नहीं होता है म्यूजिक, ठीक है। हैप्पी बर्थडे ज्ञानेश्वर, तो वो कितना भी बड़ा लंबा क्यों ना हो, या हैप्पी बर्थडे रामानुजन, समझ रहे हो, और ये भी हो सकता है कि हैप्पी बर्थडे चिंटू, तो चिंटू तो इतना सा शब्द है, लेकिन हम हैप्पी बर्थडे सेम ही नोट्स होता है, नाम कितना भी पढ़ो, पूरा नाम भी बोल सकते हो, नाम मिडल नेम और सरनेम भी बोल सकते हो, ठीक है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वो फास्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपके पास उतना है, उतने टाइम में आप कर लो क्या करना है, तो वैसे ही यह होगा, वर्ड्स का कुछ नहीं होता है। तो अब से तू आरजू, उसी का नोटेशन इसको आएगा कि तेरे ही तो पीछे पीछे, और लास्ट है तू ही है इरादा की जगह हमारी लास्ट लाइन में आ गया तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, समझ गए, ये था डी, बरसात आई मतलब तू ही है इरादा। अब ये पूरा कॉपी कर लिया, अब आखिरी में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बरसात आई है उसमें गाने में, मतलब तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई, तो वो डायरेक्ट नीचे जाना, बरसात आई तू इतर इतर सा में, फिर गाना चालू होगा, तो फिर से वो इतर इतर जो है वो
पहली लाइन क्यों कॉपी, कौन सा ए गाने की स्टार्टिंग जिसे कहेंगे फर्स्ट आंसर, वो है तू नज्म नज्म सा मेरे, तो नज्म की जगह वो इत्र इत्र डाला हुआ है ना, इत्र इत्र सा मेरे ऐसे वाला, तो गाना फिर से कॉपी होगा, फिर पूरा बजाना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट बरसात थी, बरसात आई बरसात आई, उसका नोटेशन लिखो ठीक है। तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, देन सानी धनी सा सा, वो था सा नी ध नी सा सा, नी और ध के नीचे डॉट था, सा नी ध नी सा सा, ओके। फिर तू इतर इतर सा, फिर वो गाना स्टार्ट हो जाएगा वापस, समझ गए बेटा। तो ये हो गया इस तरह से गाना आपका कंप्लीट, बढ़िया वाला एकदम। और अगले वीडियो में हम और भी बढ़िया सा गाना लेंगे, नया नए गाने, पुराने गाने, नए गाने, आप जो कमेंट में बताइए आपको और कौन सा गाना ऐसा है कि जो सबको पसंद है, ऐसा कोई गाना जो बहुत लोगों को पसंद हो और मज़ा आए सबको करने में, है ना। ऐसा कोई गाना मत बताना जो बेमतलब है, सिर्फ आपको ही पसंद आ रहा है, ऐसे डिमांडिंग गाना बताओ, डिमांडिंग माने सबको पसंद आए। अब ये नज़म नज़म कैसा कि 100 लोगों ने वो वीडियो देखा तो 90 लोगों को गाना पसंद है, इस लेवल का गाना चाहिए। 50 लोगों का भी पसंद आ गया तो चलेगा, लेकिन आपको कभी कभी लगता है कोई सा भी उठपटांग गाना होता है, जैसे देवानंद साहब का, अब उनके इतने अच्छे अच्छे गाने वो छोड़ देते, और कोई ऐसा उठपटांग गाना होता है जो बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को पता है, बहुत ही डाई हार्ट फैन होते हैं उनको पता होता है, वैसा गाना मत बताए, क्योंकि उसमें फिर वो इतना वीडियो बना के ये सब करके वो मेहनत ज़ाया हो जाती है, ठीक है। तो सबको फ़ायदा हो ऐसा कोई, और ऐसे कितने गाने लाखों जो आप बजाओ तो सब, हर बच्चा बच्चे से लेके बूढ़ा तक, बूढ़े आदमी तक कोई भी उसको कनेक्ट हो पाए उस चीज़ से, है ना। मतलब सब अगर कनेक्ट हो गए तो लोगों को वो फील आता है कि अरे ये गाना मैंने सुना है, ये बहुत ही फेमस गाना है, या ऐसा भी हुआ तो चलेगा कि अरे इतना सुंदर गाना है, ये मेरे गले तक आ रहा है, पता नहीं इसका नाम क्या, क्योंकि आप हारमोनिका बजा रहे हो तो उन्हें लगे, लेकिन ये भी चीज़ चलेगी, बढ़िया है, बोलेंगे अरे गले तक आया है, नाम क्या यार, और वो ढूंढने में लग जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन वाला हो गया सिचुएशन, ज़बरदस्त सिचुएशन है ये कि आप गाना बजाए और कोई अपना सब काम धाम छोड़ के गूगल पे सर्च करने लग जाए कि अरे ये गाना कौन सा है, मैं ढूंढ रहा, अब वो कैसे सर्च कर रहा है पता नहीं, किसको बोल रहा है, क्योंकि उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आपने उनका अटेंशन ले लिया है कि उनको, लेकिन वो कोई बंदा कि पता नहीं क्या बजा रहा है और वो अपने मोबाइल में खेलने लग जाए, या फिर किसी से बात करे और तुम्हारा क्या बजा रहे हो, या फिर कुछ और ही सोच रहा है वो कि इसका हो जाए फिर मैं इससे बात करूँ काम की तो ये नहीं होना चाहिए, उसे मज़ा आना चाहिए। तो ऐसे गाने हैं पावरफुल लाखों करोड़ों, तो उनको चुनिए, ना कि ऐसे जो कि कम लोकप्रिय है, ठीक है। उनका भी आदर है, उनका भी दर्जा है, लेकिन फिर भी डिमांड तो डिमांडिंग होती है ना कोई चीज़, तो डिमांडिंग चीज़ बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही, बाय।